भागवत भगवान की त न्याणी जी कथा ता बुधी मनु शत्रुपामो हाने बारन जी जेके ब पुट थया उनन जी कथा बुधो बिन पुटन जा नाला ता के बदाया से एकड़ा उत्तानपाद ए प्रियव्रत त उत्तानपाद महाराज उनन जा विवाह थया बिन राणन सा ध्यान लई बुध जो एकड़ी माता सुनीति वडी बी नंडी सुरुचि जेड़ो नालो तेड़ा गुण सुनीति याने सुंदर नीति ते हलण वाली ए सुरुचि याने पेंजे मन मर्जी ते हलण वाली हन रुचि याने इंटरेस्ट पेंजे मती ते हलण वाली औ सुरुचि नंढी उम्र जी हुई जवान हुई सुंदर हुई हाने धीरे धीरे उने जे मोह जे वश में राजा थिया वडी रानी जी उपेक्षा थी वई माता जी उपेक्षा थी वई त ध्रुव महाराज उने जा 5 साल जा बालक उने जी भी उपेक्षा थी वई ए माता सुरुचि मो जेको नंडो बाहो द्रु महाराज जो उत्तम एडा महान भागवत माता सुनीति वट जन्म वठी आया बोलो ध्रु जी महाराज की जय। एकनी बार खेडे पियो ध्रु महाराज तरी बारन चयो खबर थी तांजा पिता राजा तो जे के बैठा इन सिंहासन ते उत्तम तांजो भाई ता राजकुमार आयो और सो तांजो भाग की राजगद्दी में बैठो आ बढ़िया ध्रुव महाराज भी ठुमक ठुमक कंदे भई हथ मथे खणी करे पिता जे गोद में वेहण पियो चाहे अना वेचारो उत्तानपाद विहारे उन के गोद में कुछ चए जी फोट करे बगल में जे की सौतेली माता बैठी सुरुचि उन जहर जेड़ा अखर गाला परे हट अभागा निभागा काथो जा तू पी जे गोद में वेने कीड़ा सत्कर्म कयन तो अगर तू सत्कर्म कया हो जई ना त मुझे गर्भ मो जन्म वठे हां तरी तू पी जे गोद में वेई सके हां क्षत्रिय खून हुयो ध्रुव महाराज भले उम्र 5 साल जी अखियूं लाल थी वयो जार जार गोड़ा वहण लगा सांस जी गति वधी वई ये सांप ये फुफकार इंदो आ ना नांग थी उन जी हालत थी वई क्षत्रिय महाराज कदी पेंजो अपमान सही न सकन प्राण ॾेई छॾन आत्म सम्मान के ठेस कदी न सहन कंदा जातिगत उन में क्षत्रिय खून एडो दुखी थियो ध्रुव महाराज चुपचाप तो निकरी करे पेंजे माता जे कक्ष में आयो माता सुनीति डिठो तो अड़ी हालत में ध्रुव के कदी न डिठो आ प्यार से खड़ी करे गोद में व्यारे प्यार करे आंसू पोछे करे चवण लगी पुट छा थियो छा थियो एडो दुखी एडो व्याकुल छा चोट लगे न माता चोट तो दिल से लगी हुई छा थियो पूरी गाल चई बुधाई हाँ ध्यान डिजो माताओं खासकर अजकल जी कोई माता हो जिया तो छा चे हां कि सरासर ना इंसाफिया और वाकई आए भी गलत जबकि वडो उत्तम आ उन जो वधिक ध्रुव आ उन जो वधिक अधिकार आ वो माता वडी आ उन जो वधिक अधिकार आ लेकिन पिता भी माता सौतेली गलत व्यवहार तो हलन तो वडी युद्ध करे छे हां इंसाफ घुरे हां लेकिन माता सुनीति हुई डिठे इन जे मर्म स्थान ते चोट लगी आ दिल ते चोट लगी आ अगर चाहे हाँ इंसाफ घुरियाँ न्याय घुरियाँ तरी भी गलत न हो जे हाँ लेकिन पो ध्रुव महाराज जो अज नालो न हो जे हाँ अज ध्रुव महाराज अगर महान भागवत थिया त इन करे तो उन जे माता उन के रस्तो दिखारियो माता सुनीति चेती पुट तुझी माता तई वो भी जी तुझी माँ माता आया ती वो नंढी माता तई तुझी वह गलत न थी चे ध्रुव महाराज के लगो शायद मां ही गलत आया अरे उन मुझे एडो अपमान कयो धिको डई बजाए कढ़ो मुख्य निभागा चई और चई तू मुझे गर्भ में जन्म न वरतो तई तू कड़ो सत्कर्म कयो तई बस इया ही गाल चई तू कड़ो सत्कर्म कयो तई सबिन को वडो सत्कर्म कड़ो थिंदो आ खबर तई भगवान जो भजन तू कयो आ हाने सजो जेको दुख हुयो क्रोध हुयो वो बदल जियो हाने पश्चाताप में अचियो मां त कदी भजन ही न कयो आ बोलो सतगुरु दे टेऊ राम साहिब की जय। रखी जय सदा सांते प्रेम कृपा स्नेह बनल हो जे दया हो जे अचो ध्रुव महाराज के उन जे माता सुनीति रस्तो ही बदले छियो डाइवर्ट करे छियो दुश्मनी मो क्रोध मो नफरत मो घृणा मो सिद्ध भक्ति जी राह बदले छियो हैरान थियो ध्रुव महाराज कि शायद माई गलत तुम माता यो सत्कर्म छा थींदो आ जी भगवान जो भजन थींदो आ
अच्छा भगवान के भजन करण से पुट वह गद्दी मिली आ वह जगह मिली आ कि जन्म जन्म छड हमेशा के लिए मानू अमर थी वे जै गद्दी तो गोद तो कोई ला न सके वो श्री हरि भगवान उसे कि मिलंदा ची बस उन प्रेम कबो आ भजन कबो आ जी उन भक्ति कहन भगवान उन मिलंदा बस ये वचन घर करे क्रोध भक्ति में बदल जियो वाह वाह तरी चवंदा काम छड़ो कठिन आ काम की राह बदले छो काम के राम के तरफ जोड़े छो काम यानी इच्छाओं कई तरह की इच्छाओं खराब सुठियों सब भगवान कृष्ण से जोड़े छो हर शय भगवान से जोड़े छो सुंदरता ऐसी तो भगवान की ऐसो बल ऐसो तो भगवान जो ऐसो प्रेम ऐसो तो भगवान जो ऐसो पेंो ठाणो तो भगवान के ठाओ कुछ दियणो तो भगवान के दियो वो तो भगवान को वो सब कुछ भगवान से हाँ ओडी मल ही माता के दिठों ध्रुव महाराज रातों रात निकरी पिया चुपचाप पंजे साल की उम्र में दृढ़ निश्चय करे कि मुखे कि भगवान के पाइणो ही प्रणाम करे माता के सौतेली माता के भी माता सुरुचि के भी प्रणाम करे डंडे वांगुर दंडवत प्रणाम करे रोखणी करे न तो भगवान जो सिंहासन हिलण लगो भगवान चवनता है बालक एतरो सो वड़ा वड़ा मानू हिम्मत न करे सकंदा इन पंजे साल जे बालक जेतरी हिम्मत कई नारद जी वनो मुझे भक्त जो ख्याल कयो प्रभु अजा भक्ति तो शुरू न कई तई लेकिन निश्चय तो कयो तई दिसो इन मल ताई भक्ति शुरू न कई उनके मंत्र भी न मिलो नाम भी न मिलो लेकिन ध्रुव महाराज छा कयो निश्चय कयो कि मां भक्ति कर बस उनमें ही भगवान मिली भगवान जो सिंहासन तो हिले एक इरादे से अड़ी भगवान इंसान में ताकत रखी कि सच के राह में हले तो सही एक पेर तो वधाए भगवान जो सिंहासन हिलण लगंद महाराज नारद महाराज आया परीक्षा ता वठन बेटा अरे ध्रुव काढ़े तो वे आहा बाबा जी मां श्री हरि नारायण जी भक्ति कदम अरे भक्ति कदे भयंकर जंगल तई शेर भालू इंदे इते पेंजो नास्तो ठाए छरींदे तो के ती बाबा जी काई गाल ना है काई गाल ना है मां बियो जन्म वठंदुम वरी भक्ति कदम केतरा जन्म थी वन पर मां प्रण कयवा क्षत्रिय आया मरी वना पर भगवान जो भजन कंदे कंदे ही मरंदुम केतरा भी जन्म थी वन भक्ति न छीद नारद महाराज समझिया चेलो पक्को मिलो अच्छा एडो दृढ़ निश्चय तई हा महाराज अरे तू घबराए न मा तुझे पी के समझा तो तुखे तो गोद में न विहारो तई न राजगद्दी में कर मुखे सब पतो आ अच्छा पो तुझो पिता तोखे गोद में विहारी ची न हाँ मुखे वह गोद वो मुखे राज न खपे हाँ तो मैं पैरों भगवान जो दर्शन कर ही रहंदुम मुझे माता चे तो इन वो कोई सत्कर्म को इन को वो कोई पुरुषार्थ को इन वही कोई प्राप्ति को जैसे भगवान दर्शन दींदा न महामुनि उनके भगवान अड़ी गोद में विहारींदा अड़े गद्दी में विहारींदा जो कभी न किरंद नारद महाराज जी कमाल ये क्षत्रिय खून आ भाई अड़ो अटल इरादो तुम परिचय शायद तेर आयो बाबा जी नारद महाराज चो मुझे नालो नारद आ मां देवर्षि नारद आया चरणन से किरी पो रोण लगो मां चई जो भजन न किया केवल निश्चय किया तो तहजा दर्शन थे और भजन कदम तो मुख्य विश्वास आज सामू बीठा एक ढी साक्षात वैकुंठ आधिपति भगवान नारायण भी मुझे सामू बीठा हुआ नारद महाराज चो बस बेटा बस हे सामू यमुना नदी वह थी यमुना जी में तू स्नान करे स्नान करे आयो तरी बारन अखरन जो उन्हें मंत्र दिनो ओम नमो ध्रुव महाराज चौ हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव टिन डीन के आड़ में चौथे डी में केवल चौथे डी में बेर और कैथ जा फल खाइंदा हा एक बार केवल वरी भजन करण तपस्या करण शुरू कर छींदा बो महीनों लगो छह डीन के आड़ में यानी सते डीं ते केवल सुकल पत्ता या घास खाइंदा एक बार वरी भजन शुरू कर छींदा टे महीने में नवन डीन के आड़ में यानि डह डीं ते केवल जल पीअंदा पानी यमुना जी जो वरी भजन करण शुरू कर छींदा चौथों महीनों जो लगो तो बारह डीन में यानि तेरह डी में सांस खणंदा हा चौ हरे राम पो सांस भी रोके छींदा वरी पंजो महीनों लगो तो सांस खण भी जो बंद कर छ्यों
तो हाँ सभी की सांस मुंझण लगी टिन्हीं लोकन में सब देवता ब्रह्मा जी शिव जी शिव जी भगवान नारायण वट अरे प्रभु छो कि मुझे भक्त तपस्या कर रो उन्हें सांस रोके छी तरी टिन्हीं लोकन की सांस अवरुद्ध थी थे महाराज कृपा कर प्रभु उनके दर्शन जो भगवान नारायण चवन था न उनके दर्शन न डींदुम अरे प्रभु टिन्हीं लोकन जो नाश थी वो उन्हें वेचारे के दर्शन छो न डींद तुम तो दयालु आयो भगवान चवन था दर्शन न डींदुम मां अड़े भक्त जो दर्शन करण वेंदुम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान तुरंत गरुड़ जी ते चढ़ी आया हाँ ध्रुव महाराज की सांस छो रुकी पई और प्राण रुकी करे भी जीवन हले तो किए छो जो अंदर ही अंदर उनके दर्शन पे थे भगवान आया तरी भी नेत्र न खोली तरी भगवान वह छवि खसे वरती तो तड़फी करे जी नेत्र खोलिया डिठों जो अंदर हो वो ही बाहर बैठो आ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गदगद थिया अखिन मु बरसात थी थे आंसुन जी रोम रोम खड़ो थी वा स्तुति कुछ गालण चाहन ता स्तुति भी नहीं दिया कुछ चई भी न था सकन आवाज बंद थी वही कथा में लिखला ध्रुव जी भगवान श्री हरि को आंखों से पीने लगे ये अखर लिखल कि अखिन सा जन जैसा कुछ पींदा हूं ना अमृत पींदा हूं खीर पींदा हूं तेरी तरह सा अखिन सा दर्शन न था कन भगवान के मानो पी रहे ई दर्शन ता कन एडा भगवान प्यारा है भगवान डिठो कि ध्रुव जे मन में स्तुति करण जी इच्छा है पर पंजे साले जो तो बालक आ अजा इन जी उम्र पंज साल पंज महीना पंज महीना तो भक्ति की भगवान दर्शन दई छो सतयुग में कलयुग में तो शायद पंज ढी भी न लगन ये कोई भक्ति करे एक रात में दर्शन थींदो आ सच्ची सिख श्रद्धा सा कोई अगर प्यासो हुए व्याकुल हुए लेकिन वह व्याकुलता तो ढी कठिनता से मिली आ प्यास हाँ भगवान पैंजे शंख के उनके गिट्टे से छुआयो तो वेद शास्त्र जो ज्ञान प्रकट थियो ढी लंबी स्तुति कई ध्रुव जी महाराज स्तुति कंदे कंदे नेण भरजी आया कि मुख्य केवल तुझी अविरल भक्ति खपे प्रभु बो कुछ न खपे भगवान मुस्कुराए कर चौनता ध्रुव जी मां तो भक्ति जो भी दान दिनो लेकिन मम दर्शन फल मुझो जो दर्शन करी व्यर्थ न वेंदो कि तू जी मल आए तो विचार कर अखियं हेठ थी व्यू ध्रुव मां तो 36,000 साल राज तो जा पंजे साल ही सरकार न ठाईंदा आन भगवान घणो राज दिनो 36,000 साल उन भी तू परम धाम ईंदे तुझे लिए वैकुंठ जा दरवाजा खुलल तुझो स्थान सभी को मथे होंद सप्तऋषि तुझी परिक्रमा कंदा अज भी आकाश में जो सभी को दैदीप्यमान तारो नजर इंदवान सभी को जैमें वधिक चमक है समझ जो तो वही ध्रुव जी महाराज चौ हरे राम ध्रुव महाराज भगवान के बारंबार प्रणाम ता कन लेकिन रोंदा ता वजन छाजे करे कि मां छो घुरियो राज मां भोग छो घुरियो गद्दी छो घुरी केवल भक्ति छो न घुरी या टीस रह जी वही लानी में वो जुलूस कटी आया माता सुमिति सुरुचि सब आया कि अगवानी करण के लिए कि ध्रुव जी भगवत दर्शन करे ता अचन घने सिख सा सजी नगरी आई आ स्वागत कर तरी ध्रुव बालक वही करे उन्हें सौतेली माता के प्रणाम कयो उनके डाडो संकोच थियो चे तो न माता अगर तू मुखे न चे हां न मां भजन क्या हां न मुखे भगवान मिलना मुझे माता सुनीति चेवा या तुझी कृपा है एड़ा भागवत माता सुनीति गले लगायो पुट तू मुझो गर्भ सफल किया तू मुझो मातृत्व सफल किया पुत्रवती जुगती उवाई थींदी आ रघुपति भगत जातु सुत होई जैंजो बालक जैंजी संतान भगवान जी भक्ति करे उवाई हिकड़ी बस माता चवण जे योग्य उन्हें जी कोख सफल आ उन्हें जो जन्म सफल आ वह माता चवण उन्हें जो सफल आ न तो बार तो जानवर के भी थींदा कुत्तन के पशुन के भी थींदा भक्ति न करे तो पशु में और इंसान में केड़ो फर्क रहो सूरदास जी महाराज चवन था भगति बिन बैल बिराने हुए हूँ भक्ति न कंदे तो बैल ठहरण पवंदे चार पाँव द्वे सिंह गुंग मुख तब गुन कैसे गए हूँ अरे चार पेर हूँ हथ गायब थी वेंदे पो तू राम राम न चई सकंदे बस सिंह एक्स्ट्रा मिली वेंदा तो के पर तू कीर्तन की कंदे कथा की बुधंदे
आवत जावत लकुट बाज ही इंदे वेंदे डंडे जी आवाज इंदे बस और कुछ दाह न करे सकंदे तू चई न सकंदे एड़ी गति विचारन जानवरन जी थी रही आ प्यारा तू अकेलो आए 84 लख जोड़न में भजन करे वट भक्ति करे वट हरे राम हरे कृष्ण हे हरे इन तरह सा ध्रुव महाराज 36,000 साल राज कयो एक बार यक्षन उनके भा उत्तम के मारे छो ढो क्रोध में अची भयंकर युद्ध क्यों यक्षन के मारन लगा तरी मनु जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज कुबेर देवता उन्हें समझाया तुरंत हथ जोड़े करे मनिया युद्ध बंद कर छ्यों उन्हें वरदान दिनों तो वरदान भी केवल भक्ति जो घुरो ध्रुव महाराज जो विवाह थो ब्रह्मी ए इलासा धर्म पत्नियों पुट थे कल्प ए वत्स समय गुजरियो 36,000 साल पूरा थिया असा बेखौफ वेठा आयो जो 100 साल ना हमेशा अजर अमर आयो असा मरंदासी कोन 36,000 साल भी गुजरी आ गंगा जी के किनारे ते आया ध्रुव महाराज अंतिम समय डिसी करे स्नान क्यों गंगा जी में ऋषि मुनि संत महात्मा उन समय जे के वेठा सबिन के प्रणाम कयूं जबकि भगवान जो दर्शन करे चुका है और वैकुंठ पहनो रिजर्व है मां वरी तो चवा भगवत दर्शन प्राप्त वैकुंठ पहरों ही पक्को आ ट्रेन में कोई रिजर्व होंगी सीट फ्लाइट में ताजी बुक होंगी कोई सीट तीन उन्हें जो वैकुंठ पहरों ही पक्को आ लेकिन अभिमान को श्रद्धा आए कि ही तहन मुख्य नारद महाराज न मिलना तो भगवान काडो मिलना जीवन में कभी भी परमात्मा नहीं दा पहनो याद रख जो जीवन में कोई न कोई महात्मा इंदो तरी असांजे जीवन में परमात्मा इंदा तो अज भी श्रद्धा है सभी के प्रणाम ता कन ए अंतिम समय भगवान जो ध्यान धारण करे वेठा गंगा जी जी लहरूं पई हलन डाढ़ी आवाज आई उथी करे बेहंद वजन लगा एक सुंदर कन्या आई डाढ़ी 6-7 साल की चवण लगा महाराज चवण लगी काड़े ता वो महाराज चवण लगा देवी काड़े वजा दिस न गंगा जी ढो आवाज थी करे मुझे अंतिम समय आ मुख्य ध्यान करणो आ महाराज ता इत ही वो हाँ तक आवाज न इंदी तू क्या थी चे तो के की खबर उन्हें चे माई गंगा आया बोलो गंगा जी मैया की जय डोंगरे जी महाराज लिखियो अज भी उन्हें जगह ते जाते ध्रुव महाराज अंतिम समय गुजारियो अज भी गंगा शांत बहंदी अज भी उते आवाज नहीं दिया कुछ ही देर में विमान आया ए ध्रुव महाराज ये विमान में चढ़ लगा तो विच में मृत्यु देवता प्रकट थिया ध्रुव महाराज के मृत्यु देवता चवण लगो महाराज मुख्य स्पर्श किए बिना कोई मथे नथो वही सके यो एक कानून ठहल आ प्रकृति जो यानी शरीर छड़े वनो मुख्य स्पर्श कयो ध्रुव महाराज चे बस एतरी सी गाल आ ताके स्पर्श करणो आ हा महाराज तुरंत कंधे ते पेंजो चरण रखियो ए छलांग लगाए वही करे विमान ते वेठा और वैकुंठ लिया यानी भगवान जे भक्त जे लाए भगवान कानून भी नथा रखन शरीर भी न छो उन्हें देह सहित ध्रुव महाराज हलिया भगवान जा पार्षद पुछण लगा महाराज छाथा विचार कयो ध्रुव महाराज जा नेत्र सजल थिया जे मुखे राह दिखारी मुझी माता भक्ति सिखारी उआ मुझी माता का थिया चंता महाराज भगवान जी कोई भक्ति कंदा न तो केवल उन जो परिवार न उन जा माता पिता न उन जा कम से कम 21 कुल तरी वेंदा वो सामू ऐसो विमान में ताजी माता थी वे बोलो सुनीति मैया की जय 21 कुल केड़ा हुंदा है भाई 7 कुल माता जा 7 कुल पिता जा 7 कुल जेके हुंदा है अचण वाला वो भी तरी वेंदा है चो जय श्री कृष्ण एड़ी कृपा कंदा है भगत एड़ी कृपा इन करे सबन को सरल सर्वश्रेष्ठ भक्ति आ लेकिन मानू कोई जागे बुधंदा तो सब आयो पढ़ा असा सब आयो पर कोई ध्रुव तो एक ही पैदा थन्दा प्रहलाद तो कोई थन्दो लेकिन ये केन प्रकार अगर असा शरीर के भी भगवान के भक्ति से जोड़े लगूँ मन लगाय भगवान जो कम आ असा तन लगायूँ चो हरे राम संत चवन था अड़ो प्रेमावतार अड़ो प्रेम करणवारो आह जै शबरी जहा जूठा बेर खाई छा 56 भोग ठुकराए छा दुर्योधन जा केले जा छिलका वही विदुरानी वट खादा प्रेम जे रथ जो ड्राइवर भी बणजी तो वे चालक रथ हलायण तो लगे जो अनंत लोक हलायण वारो वो अर्जुन जो रथ तो हलाए
अजे जैसे इशारे ते माया सजे ब्रह्मांड के नचाए रही आ वो गोपिन के इशारे ते नृत्य तो करे एकड़ी कटोरी मक्खन ते नचण वारो एड़ो प्रेमी भगवान ताके काथे मिलंदो। अरे भाई उन्हें जो भजन कयो उन्हें सा प्रेम कयो ने पेंजे भक्त जे लाय नाई बणजी करे राजा जी दाढ़ी लाए छड़ी कोई इंसान भी एड़ो कम न कंदो। माधव दास बीमार पैजी आ शौच जी उन्हें के बीमारी लगी तो भगवान शौच जी सेवा करेंदा कोई कंदो घरवारा न कंदा नौकर रखंदा है भगवान उन्हें के वठी ता वन शौच क्रिया हथ पेर द्वारन ता पिया एड़ी सेवा ता कन। उनकी नूह जेडी मल बीमार थी उन्हें के बार थियण वारो तो कोई ओडी मल दाई न पई मिले नर्स न पई मिले भगवान कृष्ण अची करे उन्हें जे नर्स जेडी सेवा भगवान न थो करे उन्हें के पेंजो मना है सबिन को वडो थींदो आ संबंध जोण सगाई तो उन्हें भगवान सा तू पेंजो नातो जोड़ भाई उन्हें सा जुड़ी वन नातो दिल जो और जेको सदा को असा के तो पेंजो मनी वेठो आ असा के बस याद करण जी देर आ। सूरदास जी महाराज चवनता तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई